भागो रे भागो, वो काफी गुस्से के अंदर हो चुका है भाई। उसके पास में काफी अजीबोगरीब शक्तियां है। ये देखो भाई, ये आ गया। ओह हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज हम लोग खेलने वाले हैं पाल वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के अंदर ढेर सारे पोकेमोन्स रहते हैं, और इस पोकेमोन्स की दुनिया में हमारा पहला दिन है। तो सबसे पहले हम लोग यानी आसपास के एरिया की छानबीन करेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हमें मारने वाले बहुत बड़े बड़े पोकेमोन्स है। अभी देखते हैं कि ये एरिया कितना ज्यादा सुरक्षित है, कोई बड़ा पोकेमोन हमारे एरिया में थोड़ी है। यार मेरे को तो बहुत कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे। ये देखो सामने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़े, हम लोग वहां पर भी जाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस एरिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सामने कुछ तो है भाई, ये टावर की तरह। अभी देखते हैं कि ये क्या चीज है। फास्ट ट्रेवल, अच्छा ये टाइम मशीन की तरह है, यानी वो नहीं होता क्या टेलीपोर्ट वगैरह, उसके जैसे है। यहाँ पे पहले से कोई तो बैठा हुआ है। इसके पास में तो बहुत कुछ है भाई, इसके पास में गन भी है और कपड़े भी है। हमारे पास में तो कपड़े भी नहीं है अभी। चलो अभी मेरे को अपने एरिया का सबसे पहला पोकेमोन दिख चुका है, और ये तो चिड़िया है रे भाई। चिड़िया नहीं है, ये मुर्गी है, और हम लोग इसको मार सकते हैं क्योंकि ये काफी छोटा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए मेरे को मारेगा थोड़ी। अरे भाई ये तो गुस्सा हो गया, ये दोनों मेरे पीछे पड़ चुके हैं भाई। इतने छोटे छोटे पोकेमोन्स यानी मेरी हेल्थ कम कर रहे, तो बड़े पोकेमोन्स तो भाई एक झटके के अंदर मेरे को मार देंगे। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं और अपना घर वगैरह भी बनाएंगे। और ये मेरे को दिख चुका है दूसरा पोकेमोन, और ये मुर्गी नहीं है भाई, इस बार ये काफी अजीब है। और ये है क्या चीज भाई, ये तो कैट है भाई, बिल्ली है, और ये मेरे को बुला भी रही है, शायद से ये मेरे को मारेगी नहीं। अरे रे भाई भाई, रुक जा, ये तो मार रही है मेरे को, थोड़ा वो सबर कर यार, मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोगों को मार भी सकता हूँ, लेकिन मार कर फायदा क्या है। अब रुक भी जा भाई, मेरे को मार कर ही छोड़ेगी क्या, ये मेरा पहला दिन है, समझो तो कुछ। ओह भाई मेरे को मिल चुकी है, और मेरा लेवल भी अप हो चुका है, पोकी बॉल मेरे को मिल चुकी है, वो पालिस पे रहे ना इनको पकड़ने के लिए। लेकिन इनको पकड़ना कैसे है भाई, मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो भाई भागो, सबसे पहले यहाँ से भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो, ये लोग तो पीछे ही पड़ गए मेरे। ओ भाई एक और मेरे को दिखा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा पोकेमोन है, ये तो एलिफेंट है भाई। पोकेमोन्स भाई ये कार्टून वगैरह लग रहे हैं मेरे को तो सब के सब। चलो भाइयों जल्दी से मैं इसके पास में जाता हूँ, और ये मेरे को मार नहीं रहा है, लगता है कि इन लोगों के यानी मैं कुछ ना कुछ मारूंगा ना तब ये लोग मेरे को मारेंगे, वरना ये लोग कुछ नहीं करते हैं। चलो भाई ये लोग तो पीछे पड़ गए भाई, ये बिल्ली है कि क्या चीज़ है, दो दो बिल्लियां मेरे पीछे लग चुकी है, अभी ये लोग मेरे को मार कर ही छोड़ेंगे भाई। कितनी सी हेल्थ कर गई, इस नदी के अंदर भागो रे भाई, हम लोग यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा सबसे पहले, वरना शुरू होते ही हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। चलो वैसे भी मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है, मैं सबसे पहले ये पूरा वर्ल्ड देखना चाहता हूँ। चलो भाइयों अभी मेरे को पोकी बॉल मिल चुकी है, इसको यूज कैसे करना है वो मेरे को पता लग चुका है, हमें सबसे पहले इसको डैमेज करना पड़ेगा। बेटी तू ही मेरे को मार रही थी ना अभी, ये केटी है ना, ये मेरे को मार रही थी, अभी इसको ही मैं पकड़ने वाला हूँ, अपना दोस्त बनाने वाला हूँ। बस इसकी मेरे को थोड़ी बहुत हेल्थ कम करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही नहीं भाई, वरना ये लोग मर भी जाएंगे। चलो अभी बारी है उसको पकड़ने की, क्योंकि मैंने उसकी काफ़ी हेल्थ कम कर दी। अरे भाई ये क्या कर दिया, एक पोके बॉल तो मैंने वेस्ट ही कर दी। ओह वो उसके अंदर जा रहा है भाई, कैप्चर हो रहा है उसके अंदर, हो जा भाई प्लीज़, एक तो पकड़ लेने दो कम से कम। चलो 100% हो गया, अभी मेरे पास में वो पोकेमोन आ चुका है, मैं एक सेकेंड में देखता हूँ भाई उसको फेंक कर। अरे भाई रियली में हमने अपना पहला पोकेमोन पकड़ लिया है, इस केटी को हमने पकड़ लिया है। चलो भाई एक पोकेमोन तो हमने पकड़ा ना, और तो कुछ किया कि नहीं किया। अभी हम लोग अपना घर भी बनाने के लिए जाएंगे। दोस्तों हम लोग अपने पोकेमोन से प्यार भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो ये कैसे आपस के अंदर प्यार कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा खुश हो चुका है भाई। ये केटी हमारा पहला पोकेमोन है, और अभी तो हम लोग बहुत सारे पोकेमोन्स को पकड़ने वाले हैं। चलो भाई मैं घर किधर बनाऊं भाई, मेरे को घर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। 3 hours later. चलो दोस्तों काफी घंटों की मेहनत के बाद में मैंने अपना घर तो बना लिया है, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग इसके अंदर रात में रह सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे केवल एक बेड है जहाँ पे मैं सोऊंगा, और हम लोग अपने ये दरवाजा है ना उसके ऊपर वो पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत कुछ बना लिया है, अपने लिए बहुत सारे औजार भी बना लिए हैं। अभी मेरा पोकेमोन किधर गया भाई, वो आ रहा है मेरे पास में भाई, प्यार करने के लिए आ रहा है कि मेरे पास में, नहीं नहीं इसका इरादा तो कुछ अलग ही है, ये क्या कर रहा है भाई। अरे नहीं भाई उसको नहीं मारना था यार, ये तो चिकन्स को मार रही है। नहीं नहीं भाई हम लोग किसी को मारेंगे नहीं भाई। चलो भाई लोगों जल्दी से चलते हैं और भी पोकेमोन्स पकड़ने के लिए चलते हैं। अभी मैं इसके अलावा मैंने एक और पोकेमोन्स पकड़ा तो है, वो है भाई सिप यानी भेड़ को मैंने पकड़ा है, और अभी मेरे को दिख चुका है यानी बहुत सारे पोकेमोन्स, लेकिन मैं पकड़ना चाहता हूँ इस वॉल्फ को यानी इस भेड़िया को। भाई ये भेड़िया नहीं है तो लोमड़ी है, इसको मैं पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है और काफ़ी अजीब सी दिख रही है भाई। इसके अंदर से आग भी निकल रही है,
ये रात के अंदर रोशनी भी कर सकती है। मैंने अपना पोकेमोन फेंका, ये उसको मारेगा भाई, वो तो नीचे गिर गया। मैं इसको डैमेज कर रहा हूँ, बस ये पकड़ में आ जाए। अरे भाई ये कुछ करती क्यों नहीं है? अरे नहीं भाई, यानी ये कुछ भी नहीं कर रही है मेरी, इतनी ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन होकर मेरे को डैमेज नहीं दे रही है। चल भाई इसको हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, मैंने सोचा कि इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। अरे अरे इसने कुछ तो फेंका, शायद से ये यहाँ पे फंस चुका है भाई, वरना ये लोमड़ी है ना वो काफ़ी खतरनाक है। और अभी इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बहुत और मार लेता हूँ ताकि ये आसानी से हमारी पोकेबॉल में आ जाए। बस 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 कर भाई बस कर, ये कौन जा रहा है केटी? भाई ये इधर उधर भाग रही है, मैं इसको पकड़ूँ तो कैसे पकड़ूँ? ले अभी इसकी कैप्चर रेट तो बहुत कम है भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये पकड़ में आएगी। ओ बढ़ गई, चलो भाई ये तो पकड़ में आ चुकी है लोमड़ी। अभी वो मेरी वो किधर गई केटी? भाई वो किसी से भी लड़ने लग जाती है। इधर आ रहे भाई तू, हमेशा लड़ती रहती है। चलो अभी मैं उसको बुलाता हूँ लोमड़ी को, फिर हम लोग चलेंगे अपने घर पर सीधा। चलो लेट्स गो, हम जा रहे अपने घर पर। दोस्तों घर पर आते आते मेरे को हो चुकी है रात, और हमने जो भी सामान इकट्ठा किया है ना, मैं उन सबको इस बॉक्स के अंदर रख दिया हूँ। अभी पोकेमोन्स को भी संभाल लेते हैं। मैंने भाई टोटल मिला के 5 पोकेमोन्स पकड़ लिए है एक ही दिन के अंदर। चलो भाई मेरे पास में मात्र 2 पोकेमोन रहेंगे और सब ठीक है ना, यहाँ पे ये भी सब ठीक है। चलो भाई अगर कोई हमारे बेस पे रेड करेगा ना तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। चलो भाई रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इसको सोना पड़ेगा वरना भाई ये मर जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, लेकिन एक सेकंड, हमारे रूम के अंदर उजाला होना ज़रूरी है। भाई वो तो बाहर भाग जाती है, एक सेकंड इस डोर को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि ये भेड़िया कैसे बाहर भागता है। अरे भाई भेड़िया थोड़ी है, ये तो लोमड़ी है। चलो जो भी हो, लेकिन ये बहुत काम की है, इसकी पूछ से और इसके पैरों से हमारे घर के अंदर रोशनी रहेगी बिना आग जलाए। चलो भाई लोगों अभी मैं सो जाता हूँ, खर्राटे वर्राटे बार लेता हूँ। अरे भाई तू बेड के ऊपर मत आ, इसको जलाएगी क्या? तेरे पूछ के अंदर से आग निकलती है। चल भाई सो गया ये तो, मुर्गा बोल गया है और दिन भी हो चुका है, काफ़ी जल्दी सो गया ये तो। चलो भाई भेड़िया बेचारा नहीं सोया होगा क्योंकि इसके लिए मैंने बेड नहीं बनाया अभी तक। यार मेरे को बहुत कुछ करना बाकी है, बाकी पोकेमोन्स अंदर है और अभी हम लोग चलते हैं सीधा बाकी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए। पता नहीं भाई ढेर सारी पोकेमोन्स है, मैं बहुत सारी पोकेमोन्स पकड़ना चाहता हूँ। लेट्स गो, अभी हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर। अभी मेरे को यहाँ पे कोई भी पोकेमोन नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं भाई सब लोग किधर चले गए। वहाँ पे बहुत सारे हिरण है लेकिन वो उसको मैं नहीं पकड़ सकता, अगर उसको पकड़ने के लिए गए तो भाई मारे जाएंगे कन्फर्म है। यहाँ पे और कोई होना चाहिए, वो देखो मेरे को एक और नज़र आ रहा है वहाँ पे। दोस्तों फिलहाल तो हमें छोटे पोकेमोन्स ही पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि बड़े पोकेमोन्स हमारे लेवल के बाहर है। भाई हमारा लेवल अभी दूसरा तीसरा है और उनके लेवल 33-34 है। अभी इसको मैं पकड़ता हूँ। भाई रुक जा रुक जा, ये पेंगुइन तो भाई बर्फ भी फेंकती है। एक सेकेंड में अटैक करवाता हूँ इस भेड़िया से, ये अटैक पता नहीं क्यों क्यों नहीं कर रहा है। अरे नहीं गलती से वो दब गया भाई, डोंट अटैक वाला। रुक जा इसको मैं मारता हूँ, एक और मारता हूँ, वैसे उसकी हेल्थ तो काफ़ी कम हो गई। रुको अभी मैं इसकी बैंड बजवाता हूँ भाई, क्योंकि उसने मेरे पेट को बहुत मारा ना। अब ये भेड़िया देखो उसकी बैंड कैसे बजाता है, मारे भाई ये देखो भाई, बर्फ़ और आग के बीच में लड़ाई होती हुई। ये कैप्चर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, आराम से हो जाएगा भाई, क्योंकि ये छोटा पोकेमोन है, बड़ा पोकेमोन तो फिर भी नहीं होगा। चलो भाई ये किसको मार रही है अभी? भाई तूने किसको मारा? अरे नहीं इस पागल लोमड़ी ने भाई उसको मारा, एलिफेंट को मार दिया भाई, मैं तो पक्का मरूंगा भाई। भागो रे भागो, वो काफ़ी गुस्से के अंदर हो चुका है भाई, उसके पास में काफ़ी अजीबोगरीब शक्तियाँ है, इतनी तो मेरे पास में भी नहीं है। एक सेकंड में किधर भागो भाई, बहुत दूर भागना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे लड़ भी तो सकता हूँ ना भाई, वो काफ़ी बड़ा है। एक सेकंड, नहीं भाई उसकी हेल्थ कम नहीं होगी, वो 38 लेवल का है। यार ये एलिफेंट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, वो मेरे को मार सकता है पलक झपकते ही। भागो भाई उससे दूर रहना पड़ेगा। यार उस लोमड़ी ने पता नहीं किसको छेड़ दिया, तभी तो भाई मैं यानी अटैक मोड पे नहीं रखता हूँ। अटैक मोड पे रखता हूँ ना तो वो आसपास के जितने भी एलिफेंट्स बड़े बड़े पोकेमोन्स को भी मार सकती है। चलो भाई वो तो जा चुका है इस चाइस से, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं उससे पंगा लूँ भाई, और मैं उससे पंगा जरूर लूँगा। एक सेकेंड, उसकी हेल्थ कम नहीं होगी भाई। अरे वो मेरी तरफ काफ़ी तेज़ी से दौड़ा दौड़ा आ रहा है, यार मेरी तिरगमान के अंदर दम ही नहीं है सच बताऊँ तो भाई। चलो भाई निकलो यहाँ से, निकलो निकलो जल्दी से निकलो, वो काफ़ी पास में आ चुका है, काफ़ी स्पीड में दौड़ता भी है। यार वो आखिर में मरेगा तो मरेगा कैसे, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? मेरे पास में हथियार तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके डैमेज नहीं पहुँच रहा है। मेरे को लगता है कि मेरे को पोकेमोन्स को पकड़ना पड़ेगा। ये देखो भाई ये आ गया। ओह यह क्या भाई, एक के अंदर ही मार दिया।
नहीं यार, मेरे को इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। चलो दोस्तों, आज तो हम लोग मर चुके हैं, मैं पहली बार मरा हूँ भाई। चलो लेट्स गो, अपने घर पर चलते हैं। और आप लोगों को ये वाला गेम कैसा लगा कमेंट में बता देना। आपको इसके पार्ट्स चाहिए तो कमेंट में बता देना, मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो वापस से नंगा पुंगा हो चुका हूँ। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।